तो कैसे हैं आप लोग? आपको पता ही होगा मेरा नाम राजेश है और मैं आपके लिए छोटे छोटे टूल्स के वीडियोस बनाता रहता हूँ सुपर टूल्स चैनल के लिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और ये लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक घंटी वाला आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप अपने ब्राउज़र में पा सकते हैं मेरे वीडियोज़ के। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ नोकिया कनेक्टिविटी केबल ड्राइवर वर्जन 2.2.35, जो कि मैंने डाउनलोड किया है firmwarecare.com वेबसाइट से। तो आज हम बात करेंगे इस ड्राइवर के बारे में। तो बेसिकली आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये ड्राइवर बेसिकली नोकिया के फ़ोन के लिए है और ये लगभग नोकिया के सारे स्मार्टफोन या फीचर फ़ोन लूमिया को छोड़ के सभी को सपोर्ट करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ड्राइवर मेरे कंप्यूटर में पहले से डाउनलोडेड है और मैंने इसको डाउनलोड किया है firmwarecare.com वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ड्राइवर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं ये ड्राइवर एक जिप पैकेज में है, तो मुझे सबसे पहले इस ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर सिलेक्ट कर देना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ड्राइवर मेरे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 4 फाइल्स दिख रहे हैं हमें। तो हमें ओपन करना है नोकिया कनेक्टिविटी केबल ड्राइवर वर्जन 2.2.35 सेटअप डॉट ई एक्स ही फाइल को। तो मैं इसे डबल क्लिक कर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सेटअप खुल के आ गया है, कुछ इस तरह से सेटअप है। और यहाँ पे आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक पे क्लिक करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप है, यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आई एक्सेप्ट द टर्म्स पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हो रहा है और इस ड्राइवर का जो वर्ज़न है एक्चुअल में है 7.1.1 कुछ था। तो ये ड्राइवर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है और उसके बाद में नोकिया का फ़ोन अपने कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया मेरी मेहनत मेरे वीडियोस, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।